अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। साहब एक बात बोलूं, आप जब बैठे थे ना तभी मैं आपसे पूछने वाला था, मैं आपको पहचान गया साहब, आप ड्रामा डायरेक्टर श्रीकांत साहब है ना, मैंने आपका दर्पण नाटक देखा था साहब, बहुत ही दासू नाटक था साहब। साहब क्या हुआ साहब, श्रीकांत साहब क्या हुआ साहब, आपको साहब आप बोलते क्यों नहीं हो तो जाएगा मगर खर्चा बहुत होगा, सर्जरी वाल्व डॉक्टर के आने जाने का खर्चा कुल मिलाकर बहुत पैसा लगेगा, और जहाँ तक मुझे पता है श्रीकांत जी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कितने लगेंगे? करीब 40 लाख। 40 लाख? उनके पास तो 40,000 भी नहीं होंगे। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, हमें 40 लाख की जरूरत है, वो भी अर्जेंटली, क्योंकि अगर हमने 10 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो फिर श्रीकांत जी की जान बचाना बहुत मुश्किल। अभी क्या हो गया आपको? शेर के गिरते ही गिद्ध इकट्ठे हो गए चमड़ी उधेड़ने को। दादा कैसी बात कर रहे हैं आप दादा? हाँ श्रीकांत जी, ये लोग काफी परेशान हैं आपके लिए। आप क्या समझती हैं, इन लोगों को मेरी चिंता है? बिल्कुल नहीं, ये तो जबरदस्त एक्टर्स हैं। हाँ ये शशांक 10 साल पहले मेरे पास आया था काम सीखने के लिए, कह रहा था बहुत अच्छे सामाजिक नाटक बनाऊंगा। हाँ और मेरे पास काम सीखने के बाद क्या किया इसने, हाँ घटिया फिल्में बनाने लगा। दादा आपकी जबान तो हमेशा से ही तीखी रही। दादा आपके दिल में जो भी भड़ास है ना निकाल लीजिए, जो भी उगलना है उगल दीजिए, मेरे लिए जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिए, मैं आपके श्लोक सुनने को तैयार हूं। ये मंगेश एक और नमूना है डॉक्टर साहब, आज से 20 साल पहले मेरे साथ काम करता था और ये सोचता था कि ये सब कुछ करता है और नाम मैं कमाता हूं, और इस बेवकूफ ने क्या किया, छोड़ दिया मुझे, अकेले काम करने लगा, मगर मेरे बिना इसका क्या हो सकता था। शशांक, शशांक मैंने पहले ही तुम्हें यहां आने से मना किया था, इनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन ये सांप। और गुरु तो गुरु ही होता है। देखिए दादा आप हमारे बारे में जो कुछ समझते हैं वो हमसे जरूर कहिएगा, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त हमें आपकी तबीयत की चिंता है और किसी भी कीमत पे हमें आपको बचाना है। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, जो कुछ भी था वो थिएटर में लगा दिया, अब तो शायद मौत ही एक रास्ता है।
हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आरती तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी बैंक में जाओ और सारा का सारा पैसा निकालो, जितने भी फिक्स डिपॉजिट है तोड़ दो, सारे शेयर्स बेच दो। शशांक जी तुम क्या कह रहे हो? अरे अपने बच्चों के बारे में सोचा है? उनसे क्या तुम भीख मंगवाओगे? मैं जो कह रहा हूँ उतना सिर्फ करो। तुम अभी बैंक जाओ और ये पता कराओ कि बैंक हमें कितना ओवरड्राफ्ट दे सकता है। मेरे ख्याल से 10-12 लाख तो आराम से मिल ही सकते। आरती ठीक कह रही है शशांक, तुम पागल हो गए हो। दादा आप कुछ भी कहिए, मैं आज जो भी हूं ना सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। और दादा ये तो कुछ भी नहीं है, हमें 28 और 30 लाख का इंतजाम करना है। अंगेश तुम कुछ मदद कर सकते हो? शशांक मेरे पास है ही क्या? हाँ मैं मॉर्निंग टाइम्स के एडिटर को जानता हूँ, उनके अखबार में हम एक अपील छपवा सकते हैं मदद के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीकांत जी के शुभचिंतक इनको चाहने वाले खुले हाथ पैसा देंगे। नाटककार और रंगमंच के निर्देशक श्रीकांत जी को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा है, उनके दिल के ऑपरेशन के लिए और अमेरिका से दिल का एक आर्टिफिशियल वाल्व मंगाकर बदलने के लिए 40 लाख रुपयों की जरूरत है। हमारा पेपर हर रंगमंच के और श्रीकांत जी के चाहने वालों से प्रार्थना करता है कि आगे बढ़कर खुले दिल से पैसे दें। आप श्रीकांत जी को जानते थे? नहीं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन मैंने उनके काफी प्लेस देखे और कई प्लेस से प्रभावित भी हुआ। विरेन हम पुलिस वाले हुए तो क्या, हमें अपने काम से वक्त निकालकर नाटक देखने चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो देखता हूँ समाज की प्रगति के लिए कला और साहित्य का विकास होना बहुत जरूरी है। इलाज के लिए उनके पास पैसे तक नहीं। विरेन ये चेक उस अखबार में दिए एड्रेस पर भिजवा दो। रिस्पांस रहा है, पिछले 3 दिनों में 16 लाख तो आ ही गए हैं। लोगों ने 10 से लेकर 10,000 रुपए तक भेजे हैं। देखिए हिसाब किताब अभी भी जारी है, ऐसे ही रहा तो 30 लाख तो आसानी से आ जाएंगे। लगता है श्रीकांत जी को लोग काफी पसंद करते थे। देखिए डॉक्टर चाहे कुछ भी हो ऑपरेशन तो हमें टाइम पे ही करना चाहिए और श्रीकांत जी को कुछ होना नहीं चाहिए। डोंट वरी, अमेरिका के ओहायो हॉस्पिटल के डॉक्टर विलियम से मैं सब कुछ बात कर ली है, वो कल ही वहां से रवाना हो जाएंगे। रही बात वॉल्व की, वो तो पहले ही भेजा जा चुका है, कल सुबह तक पहुंच जाएगा। अबे रेडी हो जा, एम्बुलेंस आ रही है। मेरी बात तो सुनिए, अरे उसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है, अरे उसमें मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी हुई थी। देखिए देखिए साहब किले इधर पड़ी हुई थी। सर 2 बंदूकधारियों ने इस एम्बुलेंस में से मिस्टर श्रीकांत के ऑपरेशन के लिए लाए जाने वाले वॉल्व का डिब्बा चुरा लिया है, और उस वक्त ये ड्राइवर और ये अटेंडेंट ये दोनों ही गाड़ी में थे। वो
दिखने में कैसे? सर दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे इसलिए चेहरा छुपा हुआ था। नहीं, इनके मुताबिक दोनों काफी मोटे थे। एक की हाइट कुछ 5 फीट 8 इंच और दूसरे की 5 फीट 7 इंच थी। कोई वैल्व क्यों चुराने लगा? आखिर वो किसके काम आ सकता है? जो भी हो, हमें वो वैल्व जल्द से जल्द चाहिए। एसपी साहब, मुझे 48 घंटे में ऑपरेशन करना है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरा वैल्व भी मंगवा लें। और आज रात तक अमेरिका से डॉक्टर विलियम्स भी आ जाएंगे। अगर हमने जल्द से जल्द ये ऑपरेशन नहीं किया तो श्रीकांत जी को बचाना नामुमकिन होगा। ये देखिए, यहाँ पंक्चर किसे किया है? ये देखिए सर, किले पूरी तरह अंदर घुस गए। सर एक मिनट इधर आइए। सर देखिए फुटप्रिंट्स, ये ड्राइवर और अटेंडेंट किसी के जूतों से मैच नहीं कर रहा। दो आदमियों से किसी एक का है। फोटोग्राफर। यस सर। इनके फोटो ले लो। यस सर। बाद में देखते किसके जूते के साथ मैच होता। सर ठीक है, यहाँ आइए। ये देखिए, जो आदमी वॉल्व का डिब्बा लेने अंदर गया होगा उसने पांव यहां रखा बराबर है। जी साहब, वो बिल्कुल ऐसे ही गया था। सर ये मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी उसी आदमी के पांव से आई है। ठीक है, इसे संभाल कर निकालो और फोरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। डॉक्टर, लाइन नंबर 4 पे आपके लिए फोन है। हो सकता है ये वही हो जिसने वाल्व लूटा है। आप स्पीकर फोन पे बात कीजिए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग डॉक्टर, शायद आपको मेरे फोन का इंतजार था, है ना? मंगेश और शशांक साहब भी वहां पर होंगे और पुलिस तो जरूर होगी। बोलो बोलो, मेरा अंदाजा सही निकला ना? है ना? क्या चाहिए तुझे? इतनी जल्दी भी क्या है, आपने अखबार में वॉल्व के बारे में जो अपील छपवाई है वो मेरे दिल में चुभ गई है। मुझे बहुत दुख हो रहा है डॉक्टर। देखो देखो, अगर वो वैल्व तुम्हारे पास है तो हमें दे दो, हमें उसकी सख्त जरूरत है। प्लीज वो दे दो ना। दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। जैसे ही तुम जमा किए हुए वो 40 लाख रुपए मुझे दे दोगे, मैं तुम्हें वॉल दे दूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? वो पैसे तो हमें ऑपरेशन के लिए चाहिए। 10 लाख रुपए तुम वॉल के लिए दे चुके हैं। 30 लाख ही सही, मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब अब तक तो फोन ट्रेस करके मेरा पता लगा चुके होंगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं। चलो मैं फिर फोन करूंगा। तो फिर अब हम क्या करें? क्योंकि इतना सारा अगर पैसा उसको दे देते तो फिर ऑपरेशन के लिए पैसे कहां से लाएंगे हम? हाँ, और फिर हम श्रीकांत साहब को कैसे बचाएं? हाँ, उन्हें पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। एक मिनट सर, फोन यहां से आया था। शास्त्री नगर में एक पब्लिक फोन है, फोन वहीं से किया गया था। धीरे कुछ पता चला? सर वो जगह बिल्कुल सुनसान है, इसे कुछ पता नहीं चला। वहां हमारे आदमियों की ड्यूटी लगा, किडनैपर्स वहीं कहीं होंगे। जाओ। डॉक्टर सारंग के कुछ पता चला? इस मिट्टी के सैंपल में कुछ पेट्रोल के अंश है, थोड़ी ग्रीस भी है, कुछ रुई के धागे हैं और पेंट। पेंट? ये स्प्रे पेंट है जो कारों को पेंट करने के काम में आता है। मतलब गराज? मगर शहर में तो हजारों गराज है। दया, एक काम करो, शास्त्री नगर जाके देखो कि जहां से फोन आया था वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने गराज हैं। जाओ। और कुछ? देखो मैं इस कांच के टुकड़े को देखकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह है किस चीज का, किसी बोतल का है या किसी ग्लास का है या किसी खिड़की का। अगर हमें यह पता लग जाए तो हमें कुछ और मदद मिल सकती है। डॉक्टर साहब जरा जल्दी पता लगाइए।
हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है तो मैं अपना फ्लैट बेच देता हूँ, अपनी अपनी गाड़ी भी बेच दूंगा, उससे कुछ तो होगा। शशांक तुम पागल हो गए हो क्या? अरे श्रीकांत जी के लिए तुम अपने परिवार को मार डालोगे क्या? तो मैं क्या करूं बताओ ना, हम क्या करेंगे? Are you sure, Dr. Williams? Yes. Dr. Williams कह रहे हैं कि ऑपरेशन की फीस और अपने आने जाने का खर्चा कुछ नहीं लेंगे। क्या? I've been watching you for some time. I won't take any money. It would be blood money. इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ 11 लाख रुपए ही इकट्ठे करने। You are wonderful, Dr. Williams. जब आप श्रीकांत जी के लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा हॉस्पिटल भी पीछे नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं लेंगे। इसका मतलब लुटेरों को पैसे देकर भी हम श्रीकांत दादा की जान बचा सकते हैं? स्पीकर फोन का बटन। तो क्या तय किया है तुम सबने? देखो हम 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे रेडी रखेंगे, हम तुम्हें पैसे दे भी देंगे, लेकिन वो वॉल्व जरूर हमें दे दो। अरे वाह, काफी समझदार दिखते हो। एक बात बताओ, पैसा हम तक पहुंचेगा कैसे और हम तुम्हें वॉल्व देंगे कैसे? क्या तुम में से किसी के पास मोबाइल फोन है? हाँ, मेरे पास है, नंबर है 9820011123। गुड, जो भी पैसे लेकर आएगा वो मोबाइल अपने पास रखे और ठीक 3 घंटे बाद हमें बॉम्बे पूना हाईवे के पालिका जंक्शन पर मिले, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हेलो, हाँ देखो हम पालिका जंक्शन से 1 मिनट दूरी पे है, बॉम्बे पुना रोड पे। देखो आप जरा जोर से बोलना, क्या है ये, जरा बैटरी थोड़ी डाउन हो गई इसकी। हाँ बस नंबर कौन सा? 262। अच्छा हाँ, नहीं वो स्टॉप तो हम ढूंढ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं उसको। हेलो दया, 551-2341 ये नंबर मोबाइल पे आया था, पता करो कहाँ का है। ओके सर, मैं भी ऑपरेटर से पता लगा कर वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। हेलो हाँ, तो स्टॉप पे तो हम आ गए, अब आगे क्या करना? हाँ अरे देख क्या कर रहे हैं? अरे यू अंडर अरेस्ट, CID। नहीं, बस स्टॉप पे तो आ गए हम और आसपास कोई भी नहीं है। हाँ हाँ क्या करूं इस बैग का, फेंक दूं? मैं फेंक रहा हूं, फेंकूं? मैं यहां फेंक दी झाड़ी में। अब देखो वो वॉल हमको चाहिए। हाँ कहां पे पालाडी जंक्शन कहां? अच्छा वो, लेकिन पालाडी जंक्शन पे कहां पे है? हाँ अच्छा, कचरे का डिब्बा है कोई? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। मैंने किया क्या है? हेलो शशांक, इफेक्टिव वीरेन, हेलो तुम अजीत हो? हाँ सर, मेरा नाम अजीत है और मैं अपनी बीबी से बात कर रहा हूँ सर। मगर हुआ क्या सर? कितनी देर से बात कर रहे हैं? ये कोई चार पांच मिनट हुए हैं सर। 4-5 मिनट? हाँ। तुमसे पहले इस भूत पर कौन था? उसने तो कहा था वॉल वहीं पे होगा। इसमें वॉल्व तो नहीं है, वॉल्व का डिब्बा इसमें नहीं है, इसका मतलब किडनैपर ने झूठ बोला था। आगे ही निकले, उन्होंने पैसों के साथ साथ हार्ड वॉल्व भी चुरा लिया, मगर उन्हें वॉल्व की खबर मिली कहां से? क्या CID उस वॉल्व को वापस लाकर श्रीकांत की जान बचा पाएगी? जानने के लिए देखिए CID का अगला एपिसोड